धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी का और अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये संशोधन ला करके पुनः एक बार जनता को आश्वस्त करने का कार्य किया है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम देश की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है उठाएंगे, और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति में विश्वास करती है और उसी का परिणाम है ये प्रस्तावित संशोधन बिल। सभापति महोदया, ये पहली बार संशोधन नहीं आया है, आप अवगत हैं इस बात से कि 2004 में भी आया था, 2008 में भी आया था और 2013 में भी आया था। वो संशोधन एक्ट का पार्ट बन गए हैं, इसलिए उस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। लेकिन जो प्रस्तावित संशोधन है, निश्चित रूप से मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन उसके पहले मैं दो दिन से इस बिल पर डिबेट सुन रहा हूं, और मुझे कभी कभी लगता है कि एक पुलिस पदाधिकारी को कितनी कठिनाई होती है लॉ और की में एविडेंस इकट्ठा करनी पड़ती। कल 303 की बात की गई, 303 की बात की गई, अब 303 को सरकास्टिक वे में मैं समझता हूं बात रखने का कोई औचित्य नहीं है, ये जनादेश के खिलाफ है, उसका अपमान है। 100 वोट आए, 1 वोट आए, 100 सीट आए, 50 सीट आए, 52 सीट आए या 303 सीट आए, हम समझते हैं कि हमको इसका सम्मान करना चाहिए, इसके लिए किसी के अगेंस्ट में सरकास्टिक वे में बात नहीं रखनी चाहिए। सभापति महोदया, एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो भी संशोधन किए गए हैं या प्रस्तावित हैं, जो भी संशोधन प्रस्तावित हैं वो प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको अख्तियार देने के से संबंधित है। इसके अलावा इसमें कोई विद्वेष की भावना निहित नहीं है, और हम कोई विद्वेष की भावना से कोई एक्ट में संशोधन लेकर के आते भी नहीं। अब पहले संशोधन पर यदि आप गौर कीजिएगा तो इसमें क्या है, सीजर का अख्तियार दिया गया है, अटैचमेंट का अख्तियार दिया गया है DG NIA को, जो अख्तियार पहले उनको नहीं उपलब्ध था, जिसके लिए संबंधित राज्य के DGP को लिखना पड़ता था। सभापति महोदया, ये इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है, जहां पर 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, मैक्सिमम 2 मिनट में फंड को ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक किया जा सकता है। वैसी परिस्थिति में यदि ये प्रोविजन लेकर के आया जाता है तो मैं समझता हूँ इसमें कहाँ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, या मैं खुद DGP रहा हूँ, DGP ऑफ द स्टेट को के पावर को कहाँ कम करने की बात हो रही है, या उनमें विश्वास नहीं जताने की कहाँ बात हो रही है। ये महज एक प्रक्रिया का सरलीकरण के लिए ये प्रावधान लाया गया है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें समय का बहुत महत्व होता है, टाइम इज द एसेंस, और समय में यदि विलंब होता है तो निश्चित रूप से उस कांड के अनुसंधान पर उसका फर्क पड़ता है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी को सीज करने और अटैच करने पड़ता है। तो इस प्रोविजन को लाया गया है संशोधन, दूसरा जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है इंडिविजुअल को टेरिटरी करना। ये हमारे देश के दिन में कोई कानून नहीं है कि हम क्योंकि हमारे यहाँ किसी लॉ में ये प्रावधान नहीं था, उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल, इवन सिक्योरिटी काउंसिल का इंतजार करना, और ये कह सकते हैं
करते हैं कि उसके लिए देश को, देश के प्रधानमंत्री जी को और कितना प्रयास कर पड़ा होगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का देशों के साथ संबंध और के पास अंतिम पहुंचा है, लेकिन ये हमारे ही देश में ऐसा प्रोविजन आ रहा है पहली बार, ये भी बात सही नहीं है। इस तरह का प्रोविजन यूएसए में है, इस तरह का प्रोविजन ब्रिटेन में है, इस तरह का प्रोविजन यूरोपियन यूनियन के देशों में है। तो सिविल लिबर्टी की जो आज दुहाई देते हैं सभापति महोदया, उनसे दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो जब 2008 का संशोधन आया था तो उस समय देश के गृहमंत्री जी ने इसी सदन में अपने भाषण में क्या कहा था, चिदंबरम साहब देश के गृहमंत्री थे, उन्होंने कहा सिविल लिबर्टीज हैड टू बी बैलेंस्ड विद द नीड टू फाइट टेररिज्म। ये अपने आप में स्पष्ट है। और इसके साथ साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन क्या कहता है, हमारा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के 8th रिपोर्ट में यह कहा गया है मैडम कि देर इज डेफिनेटली ए नीड टू हैव स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस टू डील विद टेररिज्म। द कमीशन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दैट देर कुड बी ए प्रोपेंसिटी टू अब्यूज सच प्रोविजंस, हाउएवर when faced with the need to protect national security and integrity, there is ample justification for having strong anti-terrorism provisions in the law. In fact, many Western countries with strong tradition of democracy and civil liberties have enacted such legislation to deal with the threat of terrorism. UK Terrorism Act 2000 इसका जीता जागता उदाहरण है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सफी अरमान जो रिक्रूटर है आईएएस का, जो हमारे कर्नाटका से आता है, जो भटकल से आता है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ हमारे मसूद अजहर जी हैं, अजहर हैं, इनको टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया जाए तो इनको क्या किया जाए। इसके साथ साथ हमारे एक्ट में यह भी प्रोविजन किया गया है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को सूची में डाला जाता है, टेररिस्ट की सूची में डाला जाता है, तो उसके पास विकल्प उपलब्ध है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि कोई विकल्प नहीं है, विकल्प उपलब्ध है सेक्शन 36 में, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो व्यक्ति अपने को डीनोटिफाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आवेदन दे सकता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद एक रिव्यू कमेटी का भी प्रोविजन है। रिव्यू कमेटी का चेयरमैन कौन होता है मैडम? उसका चेयरमैन सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट होता है या जज ऑफ द हाई कोर्ट होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम किसी विद्वेष की भावना से इस एक्ट में संशोधन लेकर के आए हैं, बल्कि हम इसलिए एक्ट में संशोधन लेकर के आए हैं कि हम अपने जो इन्वेस्टिगेशन गेटिंग एजेंसी है उसके हैंड्स को मजबूत कर सके। मैडम, एक और संशोधन हुआ है जो डीवाईएसपी रैंक के पदाधिकारी जो पहले इस एनआईए के अंतर्गत दर्ज कांडों का अनुसंधान करते थे, वो अनुसंधान का कार्य इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को देने की बात कही गई है। अब 2008 में एनआईए का गठन हुआ था, आज 10 साल बीत गया। 10 साल बीतने के क्रम में जो इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अनुसंधान में दक्षता हासिल की है, निपुणता हासिल की है। और एक बात और आप जानिए कि डीवाईएसपी रैंक के जो पदाधिकारी होते हैं, उनका मुख्य काम सुपरविजन का होता है, और मुख्य काम सुपरविजन का होता है। सुपरविजन एक ऐसी चीज होती है जिसके अंतर्गत वो आईओ को कभी भी किसी साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए, उस इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन देने के लिए कर सकते हैं। तो ज्यादा हैंड्स डीवाईएसपी का उपलब्ध रहे, ज्यादा बेहतर ढंग से अनुसंधान हो सके, इस उद्देश्य के साथ इस
प्रोविजन को लाया गया है, न कि डीवाईएसपी के रैंक को बिलिटल करने के लिए उद्देश्य से लाया गया है। हमारे पास कितने इंस्पेक्टर्स की आवश्यकता है, कितने डीएसपी की आवश्यकता है, ये तो एजेंसी जानती है और नेचुरली एजेंसी ने इस पर बात करके ही इस प्रावधान को लाने का सिफारिश की होगी। मैडम वो शेड्यूल की मैं बात करना छोड़ देता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आतंकवाद दुनिया में पैर पसार रहा है। आज दुनिया के बहुत सारे देश आतंकवाद से प्रभावित हैं, ग्रसित हैं। एक रिपोर्ट आई है मैडम, द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया में 2013 के बाद 80% ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? हम निश्चित रूप से ये कहना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के प्रस्तावित प्रावधानों का समर्थन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, ये देश हित में है, इसलिए मैं अपना समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।